गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के बहुत ही बढ़िया कोफ्ते। तो फ्रेंड हमने ये देखी, हमने कुछ बादाम लिए हैं, 50 ग्राम बादाम लिए हैं हमने, ये 50 ग्राम ही हमने ये काजू लिए हैं और 50 ग्राम ही हमने ये किशमिश लिए हैं। फ्रेंड हम ये काजू बादाम का पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने ये कुकर रख लिया है, इस पर एक चम्मच तेल डाल रहे हैं, इसमें कुछ कम है। हमने ये गरम मसाले लिए हैं कुछ, ये सब हमने पिपली है इसमें। एंड ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, हमने मोटा मोटा काट लिया है, ये इस तरीके से ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे प्याज को, थोड़ा थोड़ा पिंक कलर की भुनेंगे हम इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पिंक कलर की हमारी प्याज हो गई है। हमने कुछ मखाने लिए हैं, ये थोड़ी देर के लिए हम इन्हें भी भुनेंगे इसी तरीके से, स्लो गैस पर भुनेंगे हम इन्हें। फ्रेंड हमारे मखाने भी भुन चुके हैं, अब हम इसमें एक चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट बना लिया है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमने 10-12 कलियाँ ली लहसुन की, ये भी हमने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा भुनेंगे हम इन्हें। तो फ्रेंड ये देखिए, ये भुन चुका है हमारा। ये हमने 2 हरी मिर्च ली हैं, बड़े बड़े पीस काट लिए हमने। ये हम इसमें दही लिया है, दही फ्रेश दही है, खट्टा बिल्कुल भी ना लें। ये हम इसमें 3 चम्मच हमने दही डाल लिया, थोड़ी देर के लिए हम इसे और भुनेंगे। देखिए फ्रेंड, ये दही भी हमारा भुन गया है और देखिए इस तरीके से ऑयल इसका अलग हो गया है। देखिए ये ऑयल बिल्कुल अलग आ रहा है इस तरीके से दही भून लें। तो फ्रेंड हमने ये 4 टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे पीस हमने इस तरीके से कर लिए हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं। ये हम डाल रहे हैं इसमें। एक छोटा चम्मच हम नमक डाल लें, नमक स्वाद अनुसार डालें क्योंकि इससे टमाटर गल जाता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा मसाला भून के तैयार हो गया, इसने रोगन छोड़ दिया है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं, ये 10 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे इसे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमने घिया लिया है, ये घिया हमने छील लिया है, धो के पहले साफ़ करा था, फिर हमने ये छील लिया है। ये मोटा है, मोटे की तरफ से हम कद्दूकस कर रहे हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने ये कद्दूकस कर लिया है, मोटा मोटा किया है हमने। अब इस ये पानी काफ़ी निकलता है इसमें, तो ये पानी को हम इस तरीके से निचोड़ देंगे, तरीके से इसका पानी ज़रा निकाल लेंगे हम। तो फ्रेंड ये हमने 10 से 12 कली हमने लहसुन के लिए इसका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये अदरक का पेस्ट है, ये भी हमने एक चम्मच बना लिया पेस्ट इसका। ये मिर्चें हमने, ये 3 हरी मिर्च ली हैं, इसको भी हमने बारीक कूट लिया एकदम से। आधा छोटे चम्मच ये गरम मसाला है, ये भी हम डाल रहे हैं। ये एक छोटे चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार डालें जैसे आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड ये बादाम का पाउडर है, ये हम बादाम पाउडर इसमें ये 2 चम्मच हमने डाल दिए हैं, ये बाकी का हमने बचा लिया है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। ये काजू पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें, ये हम 1.5 चम्मच डाल दिए हमने। ये वैसे हमने कसूरी मेथी ली है, ये हमने रोस्ट कर लिया, रोस्ट करके हमने इसे हाथ से रगड़ लिया है, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमने वो बेसन लिया है, बेसन हमने छलने से छान लिया है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमने डाल लिया है 3 चम्मच। अभी हम इसे देखेंगे और फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बेसन डालेंगे इसमें। फ्रेंड ये हमने अच्छे से हाथ से मिलाया है, हमने ये बहुत अच्छे तरीके से हमने मिला कर रख लिया, हमें बेसन की और ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी बेसन में हो गया हमारा। अब हम इसमें हाथ में पानी लगाएंगे इस तरीके से, और ये हम इस तरीके से रखेंगे, और बीच में हम इतना सा इसमें थोड़ा सा इसमें गोलो बना के ये अंगूठे से दबा लेंगे। और इसमें हम ये एक किशमिश रख रहे हैं हम इसमें, क्योंकि जब हम खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक कोफ्ता बनके तैयार हो गया, ये देखिए। बाकी सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारे बन चुके हैं सारे पेड़, हमने बना लिए हैं कोफ्ते। हमने ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने ऑयल डाला इसमें, ये गर्म हो गया। अब हम इसमें जो कोफ्ते बनाए थे हम वो डालेंगे, मीडियम गैस रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हम अब इनको पलट रहे हैं, थोड़ी सी देर हो गई है ना, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे कोफ्ते बन के इसमें फ्राई होकर तैयार हो गए। अब हम गैस बंद कर रहे हैं, इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, 10 मिनट हो गए इसे। अब हम इसे मिक्सी में डाल के पीसेंगे। फ्रेंड ये देखिए, जिसमें हमने मसाला बनाया था हम उसी में हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है हमने इसमें। ये 4 चम्मच हमने दही लिया है, दही हमने मिक्स कर लिए, तो ये हम डाल रहे हैं सीधा इसमें। इसे ज़रा अच्छे से हम चलाएंगे वरना फट जाएगी। मीडियम गैस पे हम
बना रहे हैं सर। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, एक चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच हमने मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हमें स्लो गैस पे भुने हैं सर बिल्कुल एकदम। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था अब हम वो डालेंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है हमने, 3-4 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं हम, थोड़ा सा डालेंगे इसे जैसे मसाला जले नहीं। हमारा मीडियम गैस रखें इसके लिए। काजू पाउडर हमने जो बचाया था ये हम डाल रहे हैं इसमें, ये हम बादाम पाउडर डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए खदी आ चुकी है इसमें, 1 मिनट के लिए बस हम इसे इसी तरीके से भूनेंगे। फ्रेंड ये देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है। तो फ्रेंड पानी कुछ अपने हिसाब से डालें, जिस तरीके से आप बना रहे हैं, जितने कोफ्ते हों उस हिसाब से, मतलब गाढ़ा करना चाहते हैं तो कम डालें और पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो फ्रेंड ये देखिए उबाल आ चुका है इसमें। अभी हम इसे, अभी तक तो हम तेज़ गैस पे इसे बना रहे थे, अब हम स्लो गैस कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसे। ये देखिए ये हमारी तरी बनके तैयार हो गई है एकदम। अब हमने ये कसूरी मेथी रोस्ट कर ली थी, ये हमने हाथ से रगड़ के हम थोड़ी सी इसमें डाल लें क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, सावधानी से डालें। फ्रेंड ये बनके तैयार हो गए, हमें ज़्यादा पकाने की इन्हें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं। अब हम बंद कर देंगे गैस। फ्रेंड ये देखिए हमारे शाही कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। बढ़िया बनने का जो तरीका है इसका, जो हमने बादाम और काजू का जो हमने पाउडर डाला है इसमें, उससे बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ बनी है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं। फ्रेंड आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।